वेलकम टू स्टडी आईएएस. गुड मॉर्निंग एवरीवन. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस. कैसे हो आप सब? 16th ऑफ नवंबर की करंट अफेयर के एमसीक्यू आज की क्लास में हम करने वाले हैं. प्लीज लेट मी नो दैट आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू क्लियरली. ऑडिबल विजिबल आप सबको फाइन है क्या? Do like, share and subscribe the channel if you are new to the channel, that is Study IAS. This class is presented by me, Ankita Jindal. Hi Manisha. Study IAS pe aap logo ke liye geography, polity, sociology, MCQ, Hindu ke Hindu aur important classes ki jo information hai wo aap logo tak aa rahi hai. Then aap ise go use kariye. Eco hai kya? Just wait. ओके अभी बताना मनीषा कि अभी फाइन है या कोई दिक्कत है. अनअकैडमी प्लस पे अमन सर डेली करंट अफेयर शो लेते हैं जिसमें हिंदू एक्सप्रेस नोट एयर सब कुछ वो कवर कराते हैं. तब उन्हें ज्वाइन करना आप मत भूलिए. आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अगर आपकी ऑप्शनल की जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी डगमगाई हुई है देन आपके लिए अनअकैडमी पर स्पेशल सीरीज चल रही है जिसमें आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी. आपका इनमें से चाहे कोई भी ऑप्शनल है आपके जो टॉप एजुकेटर है इंडिया के वो आप लोगों को पढ़ाएंगे. लाइक अगर आपकी ज्योग्राफी है, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, इनमें से कोई भी आपका ऑप्शनल है तो ये जो इंडिया के टॉप लीडिंग एजुकेटर है वो आपको पढ़ाएंगे. अभी को है मनीषा ज्यादा इको है. सो ये सीरीज देखना आप मत भूलिए. जो भी आपका ऑप्शन है आप इनमें से चेकआउट कर सकते हो. इन सबसे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है देन इस नंबर पे आप अपना क्वेरी को ड्रॉप कर सकते हो और स्टडी आईएएस कोड को यूज कर लेना जब आप सब्सक्रिप्शन लेने जाओ तो. ओके अभी को हियर जस्ट वेट वंस. ओके सो फर्स्ट क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर हैज अप्रूव्ड द नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म व्हिच इज टू अबाउट इट. न्यूज ये है कि कैबिनेट कमेटी जो है इकोनॉमिक अफेयर की उन्होंने अप्रूव कर दिया है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म को. अब आपको इस स्टेटमेंट से रिलेटेड सही स्टेटमेंट बतानी है. इट हैज अलाउड द एफिलिएट कंपनीज टू पार्टिसिपेट इन द बिडिंग प्रोसेस. Its aim is to increase the share of gas in the energy mix from the current 6% to about 15% by 2030. Good morning. The plan to achieve one nation, one gas grid will shift Indian economy towards a gas-based economy. Right code bataiye. 3 only, 2, 3 only, 1, 3 only or fir all are true. What will be the right answer? Binary Manisha, Ranjit, kya bhi fine hai kya? मैनेजेबल होगी तब भी चल जाएगा. डी ओके फाइन. जो नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म है उन्होंने एफिलिएट कंपनीज को अलाउड कर दिया है कि आप आइए और पार्टिसिपेट करो बिडिंग में जब बिडिंग लगती है. ठीक है इसका उद्देश्य क्या है जो गैस का शेयर है उसमें उसको इंक्रीज कर देना 6% से 15% तक पहुंचा देना 2030. अंडरस्टैंड में ओके चल जाएगा. इस प्लान का थीम क्या है? वन नेशन वन गैस ग्रिड विल शिफ्ट इंडियन इकोनॉमी टुवर्ड्स अ गैस बेस्ड इकोनॉमी. चलिए कर लीजिए. पता है क्या होता है 4-5 दिनों में स्पीकर में कोई प्रॉब्लम होती है. एक दिन तो ऐसा होगा 4-5 दिन की एवरेज लेके फिर एक दिन इको आता ही है इसमें. चलिए कर लीजिए.
यू से डी इज द राइट आंसर. इज राइट, डी इज द राइट आंसर है. कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूव कर दिया है नेचुरल गैस मार्केटिंग रिफॉर्म को टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसीजर फॉर इट्स प्राइस डिस्कवरी, जिससे कि प्राइस भी उन्होंने स्टैंडर्डाइज कर दिए हैं कि कितना प्राइस वो सेट करेंगे. उन्होंने जो एफिलिएट कंपनीज हैं उनको अलाउ कर दिया है कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिशन होगा, ऐसे उम्मीद लगाई जा रही है कि जो कॉम्पिटिशन होगा वो इंक्रीज कर जाएगा. ओके, इट विल ग्रांट मार्केटिंग फ्रीडम टू फील्ड डेवलपमेंट प्लान ऑफ दीज ब्लॉक इन विच प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी प्रोवाइड प्राइसिंग फ्रीडम. ये जो मार्केटिंग रिफॉर्म है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिए हैं. इसका उद्देश्य है डिस्कवर करना मार्केट प्राइस, जो गैस का मार्केट प्राइस में, मार्केट में क्या उसका प्राइस रहेगा उसको डिस्कवर करना है थ्रू ट्रांसपेरेंट एंड कॉम्पिटेटिव ई बिडिंग प्रोसेस. इंडिया टू इज ऑन इट्स पार्ट टू बिकम ए सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड हैज सेट ए विजन टू बिकम ए गैस बेस्ड इकोनॉमी. इंडिया भी अब इंडियन इकोनॉमी से गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ मूव ऑन कर रही है, क्योंकि आप देखो 6% से लेके 15% तक इसका शेयर जो है वो इंक्रीज हो जाएगा अप टू 2030, 2030 तक. फाइन गाइस, आप अपने कनेक्शन में शेयर कर दो. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट आपको पढ़नी है कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन प्रोग्राम है इज वन अमंग द कोर ऑफ द कोर स्कीम. PMEE सेकेंड कहती है कि ये जो स्कीम है वो इम्प्लीमेंटेड है बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री, फंक्शनिंग एज अ नोडल एजेंसी एट द नेशनल लेवल. राइट कोड आप लोगों को बताना है. 1, 2 बोथ नन. 1, 2 बोथ नन. बताइए जल्दी. एम्प्लॉय में जो जनरेशन करा था हमने, सी. ओके, एवरीवन आंसर इट बर्नली. आंसर इट क्या सही होगा इसमें से? ए. फाइन, चलिए. सो सही आंसर होगा बी. सिर्फ सेकेंड ही सही है. जो प्राइम मिनिस्टर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है इज वन अमंग द कोर ऑफ द स्कीम, ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी, बाकी सही है. पढ़ते हैं इसे. जो ये स्कीम है ईजीपी वाली है इज वन अमंग द मेजर सेंट्रल सेक्टर स्कीम. ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है. इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है कि जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, देखो, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम और एक होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम, जो आज हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, इन तीनों का क्या डिफरेंस रहता है? ये वाली के अंदर 100% फंडेड बाय होती है सेंटर, 100% फंडेड बाय सेंटर. इसमें शेयरिंग बेस पे हो सकती है, इसमें 50-50, 60-40, 90-10 कोई भी शेयरिंग हो सकती है बिटवीन द सेंटर और स्टेट. ठीक है, कोर ऑफ द स्कीम स्पेशली वो स्कीम होती है जो कि स्पेशली स्टेट के लिए बनाई जाए, स्टेट के वेलफेयर के लिए बनाई जाए, जिसके अंदर जो है वो सोशल इंक्लूजन, ये चीज हो, सोसाइटी जिसके अंदर इंक्लूड हो. ठीक है, जो उनके लिए बनाई जाए, उनको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड भी करा जाए. फाइन, ये वाली बात समझ में आई? सोशल प्रोटेक्शन के लिए जो स्कीम बनाई जाए, जो उसके अंदर स्पेशली ये प्रोसीजर इंक्लूड करा जाए, वो होती है आपकी कोर ऑफ द कोर स्कीम, सोशल प्रोटेक्शन के लिए. नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को प्रमोट करने के लिए जो स्कीम बनाई जाए वो होती है कोर ऑफ द कोर स्कीम. Fine, is it clear? बताइए, तीनों चीज क्लियर हो जाएंगी ऐसे? चलिए,
तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि ये जो ईजीपी वाली स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। गुड मॉर्निंग दीपिका। सो क्लासिफिकेशन ऑफ द स्कीम क्या है? कोर ऑफ द कोर स्कीम है, कोर स्कीम और मेजर सेंट्रल स्कीम, ऐसे ये कई तरीके की स्कीम्स होती हैं। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि इसके लिए नोडल एजेंसी का काम करती है नेशनल लेवल पर। अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, सो इम्प्लीमेंटेड थ्रू स्टेट केवीआईसी डायरेक्टोरेट, और केवीआईसी का ही स्टेट लेवल पर, उसके द्वारा ही इम्प्लीमेंटेड स्टेट लेवल पर भी होती है। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मसाला बोन्स? कल मैंने आपको बोला था कि इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चंस में आप लोगों के लिए इसमें इंक्लूड करूंगी, सो ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, आंसर करिए। मसाला बोन्स क्या होते हैं? बोन्स इशूड आउटसाइड इंडिया बाय एन इंडियन एंटिटी और कॉरपोरेट, दीज बोन्स आर इशूड इन लोकल करेंसी देन इंडियन करेंसी। इंडियन कॉरपोरेट यूजली इशू मसाला बोन टू रेज फंड फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टर, राइट? कोई बताइए, टू ओनली, थ्री ओनली, वन एंड थ्री ओनली, या फिर ऑल आर ट्रू, क्या होगा सही स्टेटमेंट? मसाला बोन्स आप लोगों ने पढ़े हैं क्या? क्या इंडिया से बाहर इन्हें इशू करा जाता है किसी इंडियन एंटिटी के द्वारा? लोकल करेंसी में इशू होते हैं बजाय कि इंडियन करेंसी में, और इंडियन करेंसी यूजुअली मसाला बोन को फंड को रेज करने के लिए करते हैं, फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं हम उनसे फंड उठाने के लिए करते हैं। सी, वन एंड थ्री, ओके, इशूड इन इंडियन करेंसी, फाइन, एवरीवन आंसर इट। सभी आंसर करो गाइस। दीपिका, आंसर इट। चलिए, सो इसका सही आंसर सी होगा। बिल्कुल सही बोला आपने कि वो इंडियन करेंसी में होते हैं, ना कि लोकल करेंसी में। इंडिया से बाहर होते हैं, ये बात सही है। बाहर जाकर कोई इंडिया की ही एंटिटी या कॉरपोरेट इसे इशू करेगा, लेकिन करेगा इंडियन ही करेंसी में, लोकल करेंसी में नहीं करेगा। और ये इसीलिए होते हैं ताकि फॉरेन जो इन्वेस्टर होते हैं उनसे फंड को रेज करा जा सके। न्यूज अभी ये थी कि जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने 10 साल के मसाला बोन को लिस्टेड कर दिया है, जिसकी क्या अमाउंट थी, 850 करोड़ थी, ऑन ए ग्लोबल डेट लिस्टिंग प्लेटफॉर्म ऑफ इंडिया INX, जो कि इंडिया के इंटरनेशनल एक्सचेंज, जो कि गांधीनगर में है ना, पहला इंटरनेशनल एक्सचेंज जो है गांधीनगर में, गुजरात में पहला जो बना हुआ है वहां पर इसको लिस्टेड करा गया है। फाइन, इट वुड बी यूज टू सपोर्ट लोकल करेंसी लेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। उससे क्या होगा कि जो हमारे यहाँ पर इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, और लोन देने की जो कैपेसिटी है वो भी ज्यादा बढ़ जाएगी। इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज इज द कंट्री फर्स्ट इंटरनेशनल एक्सचेंज है जो कि IFSC में लोकेटेड है, गिफ्ट सिटी जिसे बोलते हैं, गुजरात में। वही है ये जो हम यहाँ बात कर रहे हैं। ADB का मसाला बॉन्ड आर लिस्टेड ऑन बोथ लग्जमबर्ग एक्सचेंज और इंडिया का INX, दोनों पर ये लिस्टेड है। लग्जमबर्ग एक्सचेंज पर भी लिस्टेड है और इंडिया के INX पर भी ये लिस्टेड है, तो ये भी चीज़ आप लोग याद रख लेना। हाँ, गिफ्ट सिटी में मसाला बोन्ड होते क्या है? ये बोन्ड्स होते हैं जो कि इंडिया से बाहर इशू करे जाएं किसी एंटिटी के द्वारा, इंडियन एंटिटी के द्वारा। दूसरा, इंडियन करेंसी में होते हैं बजाय कि लोकल करेंसी में, इसीलिए करे जाते हैं ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टर है उनसे फंड रेज करा जा सके। एज इट इज पेक्ड टू इन टू इंडियन करेंसी इफ द रूपी रेट फॉल, इन्वेस्टर बियर द रिस्क, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इंडियन करेंसी में इसे लॉन्च करा जा रहा है, इशू करा जा रहा है। देन अगर ये मानो कि जो रुपी है उसका रुपी गिर गया, अगर मानो रुपी गिरने का मतलब क्या होता है कि अगर $1 के बजाय हमें पहले 60 रुपीज दे रहे थे, अब रुपी गिरने के बाद $1 में हमें 70 रुपीज देंगे, ठीक है? गिरने का मतलब होता है कि उसकी वैल्यू अब कम हो गई है, अब हमें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे,
ठीक है, इफ द रुपी रेट फॉल, अगर रेट फॉल होता है तो इन्वेस्टर का जो रिस्क है वो ज्यादा बढ़ जाता है। अगर ये बहुत ज्यादा गिर गया, अगर रुपी ज्यादा गिर गया, अगर मान लो एक ही दम आपको 90, 80, 85 रुपीज पे करने पड़ गए, तो ये इन्वेस्टर्स के लिए खतरा हो जाता है। फाइन, पहला जो मसाला बोन था वो 2014 में आईएफसी के द्वारा लॉन्च करा गया था फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन इंडिया। फाइन, इज इट क्लियर? मसाला बोन इज ए फॉर्म ऑफ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ईसीबी जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसका एक हिस्सा है। एक्सटर्नल से आप याद कर लेना कि ये बाहर से जो है इशू करे जाते हैं। Who among the following ruler founded the Vikramshila University? Modern history का question है ये, history का question है, modern का नहीं कहेंगे हम इसे। Who among the following ruler founded the Vikramshila University? धर्मपाल, भोजा, गोपाल या कुमार गुप्त, किसने Vikramshila University को found करा है, founder कौन है? इसके फाउंडर हैं सी और ए, गोपाला और धर्मपाला। धर्मपालों की आप पढ़ा और समझना है, सुन सकता। थैंक यू फ्यूचर। ए राजश्री, वेलकम। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ओके, सो इसका सही आंसर है ए, धर्मपाल। ओके, धर्मपाल ने ही इसको, इसे जो यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर वही है। विक्रमशिला वाज फाउंडेड बाय द पाला किंग धर्मपाला इन द लेट 8th और 9th सेंचुरी। इट प्रॉस्पर्ड फॉर अबाउट 4 सेंचुरी, यानी कि 4 दशकों तक ही चला था बिफोर इट वाज डिस्ट्रॉयड बाय द बख्तियार खिलजी। और उसके बाद बख्तियार जो खिलजी है उन्होंने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था अलॉन्ग विद मेजर सेंटर ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया अराउंड 1193। और उसके साथ साथ बुद्धिज्म जो है वो भी आ गया था। ये यूनिवर्सिटी की इमेज है, ये कुछ ऐसे दिखाई देती थी। ओके, विद रेफरेंस टू द स्क्रिप्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्क्रिप्ट से रिलेटेड आप लोगों को सही स्टेटमेंट बतानी है। ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वाज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वेयर एज खरोस्टी स्क्रिप्ट वाज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। फाइन, लेफ्ट टू राइट का मतलब है इस वाली डायरेक्शन में, जैसे आजकल हम लोग लिखते हैं, और खरोस्टी का मतलब है कि इस तरीके से लिखना। फाइन, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो प्रिवेल थी नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में, जबकि जो खरोसी थी वो पूरी कंट्री में जो है वो प्रिवेल थी। बताइए, पहला सही है, दूसरा है, दोनों सही है या दोनों गलत है? रोंग कोड, सॉरी रोंग कोड आपको बताना है, गलत कौन सा है, गलत बताना है स्टेटमेंट। रिमेंबर, रोंग कोड बताइए, व्हाट विल बी द रोंग आंसर? ए, वन ओनली। ओके, अच्छे से पढ़ना फिर आंसर करना। बी इज रोंग, यानी कि सेकंड गलत है, ए ठीक है। ओके, बी, चलिए, सो डी, दोनों स्टेटमेंट ठीक है गाइज, इसकी दोनों ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। आप सब भी बोल रहे हो कि चलिए ये दोनों ठीक है गाइज, दोनों कोई भी गलत नहीं है। क्या है, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है वो लेफ्ट टू राइट इसी तरीके से लिखी जाती है, और खरोसी स्क्रिप्ट राइट टू लेफ्ट इसी तरीके से लिखी जाती है, ये वाली बात बिल्कुल ठीक है। ओके, ये जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी वो नॉर्थ वेस्टर्न, यानी कि आप अगर आज के टाइम पर देखो तो नॉर्थ वेस्टर्न में आप राजस्थान और ये वाला जो एरिया जम्मू वाला, जम्मू से लेकिन गुजरात तक का जो सारा एरिया वो नॉर्थ वेस्टर्न में आ जाएगा, उस सारे एरिया में प्रिवेल थी, बाकी का जो रेस्ट ऑफ द कंट्री रह गया है वहां पे आपको खरोस्टी मिलेगी। ओके, सो राइट आंसर इज डी, खरोस्टी जो स्क्रिप्ट है उसे सिस्टर स्क्रिप्ट भी बोलता है, क्योंकि कंटेम्परेरी थी ये ब्राह्मी की, समकालीन। कंटेम्परेरी का मतलब है समकालीन,
ब्राह्मी के समय में ही थी क्रोस्टी स्क्रिप्ट. इट इज वॉज रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. दोनों गलत थी, सॉरी दोनों ठीक है. नन ऑफ दी अबव. रोम कोड क्या है? नन ऑफ दी अबव की कोई भी गलत नहीं है, मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक है. ओके राजश्री. सो इसको सिस्टर स्क्रिप्ट भी बोलते हैं खरोस्टी को, क्योंकि ब्राह्मी के कंटेम्प्रेरी में थी और इसे राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है. यूज इन द गांधारा कल्चर ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया. गांधारा कल्चर में इसे यूज करा जाता था, उसे गांधारी स्क्रिप्ट भी बोलते थे. इट्स इंस्क्रिप्शन हैव बीन फाउंड इन द फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट टेक्स्ट फ्रॉम प्रेजेंट डे अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान. इसकी जो इंस्क्रिप्शन है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में लिखे गए हैं, वो आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं. ओके. जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसे लिखा जाता था तमिल लैंग्वेज में इन इंडिया और श्रीलंका में, और इवोल्व फ्रॉम द ग्रंथा द सदर्न फॉर्म ऑफ ब्राह्मी. ब्राह्मी का जो सदर्न फॉर्म था उस वहां से इसको इवोल्व करा गया है. फिर आता है कि सिलेबिक लैंग्वेज है, नॉट अल्फाबेटिक, और इट वॉज रिटन फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट टू राइट. फाइन, ये वाली चीज क्लियर हो जाएगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज द टर्म अमला अमला रेफर टू, इसका मतलब क्या है? रिच पीजेंट, ऑफिसर ऑफ द जमींदार, विलेज हेडमैन या शेयर क्रॉपर. बताइए अमला से रिलेटेड क्या होता है. कहां पर बोल रहे हो? सेकंड स्टेटमेंट पर्नली. कौन से क्वेश्चन में बात कर रहे हो आप? अमला बताइए, अमला से मतलब क्या होता है? सी और बी और डी. फाइन, मतलब पता नहीं है किसी को भी. चलिए, सो इसका सही आंसर बी होगा. ऑफिस ऑफ द जो जमींदार होते थे, जो ऑफिस होता था उनका, उसको बोलते थे अमला. ओके, हाँ जी, बी इज द राइट आंसर. बिल्कुल ठीक है. बर्नली, आप सेकंड स्टेटमेंट कौन से क्वेश्चन की बोल रहे थे? या अभी आपको क्लियर हो गया? फिर आता है कि एट 15th ईस्ट एशिया जो समिट है, गाइस कल ना न्यूज़पेपर नहीं था दिवाली की वजह से, स्क्रिप्ट वाली 100%. ओके, ये देखो, ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट थी वो प्रिवेल थी नॉर्थ वेस्ट वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया, जबकि क्रोस्टी थी प्रिवेल इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री. ठीक है, ये स्टेटमेंट ठीक है. नॉर्थ वेस्टर्न वाले एरिया में ब्राह्मी पब्लिश थी, यानी कि वो वहां पर चलती थी, बाकी की कंट्री में क्रोस्टी वाली प्रिवेल थी. ये बात ठीक है. चलिए, फिर क्वेश्चन आता है, एट 15th ईस्ट एशिया समिट जयशंकर ब्रिंग अप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी अगेन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ईस्ट एशिया समिट. ये भी करंट क्वेश्चन है. 15th ईस्ट एशिया समिट हुई थी, तब उसके अंदर जयशंकर जो है उन्होंने टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को दोबारा से लाया. आप ईस्ट एशिया समिट से रिलेटेड बताइए. Established in 2005, it is a forum of 18 regional leaders for strategic dialogue and cooperation on the key political, security, economic challenges facing the Indo-Pacific region. It comprises member states of ASEAN with 8 member: Australia, China, Japan, India, New Zealand and Republic of Korea, Russia and US. Right code batao, 1, 2, both none.
नॉर्थ वेस्टर्न एंड समटाइम कोला खानदारी स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ये ठीक है, फिर भी ठीक है, ये फाइनली ये फिर भी ठीक है, क्योंकि जो खरोस्टी है उसने लिखा है रेस्ट ऑफ द कंट्री, तो ऐसा नहीं है कि वो इस वाली जगह पे भी नहीं मिल रही है। नॉर्थ वेस्टर्न में ये तो मिलती है, बाकी की कंट्री में खरोस्टी मिलती है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले में भी खरोस्टी मिलती है, और ये नॉर्थ वेस्टर्न में भी मिलेगी, तो ये ठीक है। ओके, यहाँ से आप ऐसे कंफ्यूज मत होना, ये ठीक है। ओहो, जो ईस्ट एशिया समिट है वो 2005 में बना है, उसके 18 रीजनल लीडर्स है, और ये जो है किस पर काम करते हैं, पॉलिटिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक चैलेंजेस पे, जो कि इंडो पैसिफिक जो रीजन है वो फेस कर रहे हैं, उसके कोऑपरेशन पर ये काम कर रहे हैं। इसके जो मेंबर कंट्रीज है वो आसियान की है, 10 की 10 प्लस 8 और हैं बाकी, जो कि जिनके नाम लिए रहे। राइट कोड आप लोगों ने बोला है ए डी और सी, मीन्स यू आर नॉट श्योर, है ना। चलिए, इस राइट आंसर इज सी, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ईस्ट एशिया ग्रुपिंग वाज फर्स्ट प्रमोटेड इन 1991, ये पहली बार 91 में इसको प्रमोट करा गया था, जबकि जब जो प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के, महाथीर बिन मोहम्मद, उनके द्वारा इसे प्रमोट करा गया था। इसकी पहली जो समिट हुई थी वो कुआला लंपुर मलेशिया में हुई थी, 2005 में हुई थी। ओके, कुआलालंपुर जो डिक्लेरेशन है उसमें क्या हुआ था कि ईएएस इज एन ओपन फोरम फॉर डायलॉग ऑन स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक इकोनॉमिक इशू इन ऑर्डर टू प्रमोट पीस, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी एंड रीजनल इंटीग्रेशन इन ईस्ट एशिया। ईस्ट एशिया जो कंट्रीज हैं, ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर स्ट्रैटेजिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली पीस बनी रहे, शांति बनी रहे, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बनी रहे, ये सब इस डिक्लेरेशन में फाइनल हुआ था, और इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है ईस्ट एशिया समिट का। ओके, इसके जो वैसे मेंबर अगर देखें तो आसियान में 10 के 10 प्लस 8 और कंट्रीज है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ ए मेंबर ऑफ राज्यसभा शेल बी 6 ईयर। हाय अंकित, संविधान के हिसाब से जो राज्यसभा के मेंबर का जो टर्म है वो 6 साल होना चाहिए। टर्म ऑफ लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी फॉर 6 मंथ एट अ टाइम। सो राइट कोड आप लोग बताओ, 1 2 बोथ नन, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बी सी और ए गाइज, इतना इजी क्वेश्चन, अभी भी आप लोग डाउट में हैं, इसमें आपको श्योरली बोलना चाहिए था कि हाँ इसका ये वाला आंसर है, श्योरली बोलिए। पॉलिटी कंप्लीट कर चुके हैं आपने, नहीं करी जिस स्टूडेंट ने, प्लीज अभी पॉलिटी को उठाओ। ए फर्स्ट सही है, चलिए। जिन्होंने पॉलिटी की सीरीज नहीं करी है, अगर आप सिर्फ वही सीरीज भी कर लोगे देन आपको बुक उठाने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार अगर पॉलिटी की बुक पढ़ी है, अगर सपोज एक बार आपने पढ़ी है, देन बस आप उसको उठाइए, अभी सीरीज को उठाइए जो स्टडी एज पर है, उसके बाद आपको क्रिस्टल क्लियर एक एक चीज हो जाएगी। बिल्कुल, लोकसभा का तो 1 साल के लिए एक्सटेंड होता है, तो बी वाली स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। ठीक है, दूसरा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, संविधान के हिसाब से नहीं है। हाँ अंकित, बिल्कुल सही, ऐसी चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप प्रीलिम्स का क्लियर तब मानोगे कि जब आपको स्टेटमेंट पता भी है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, दूसरा उसका रीजन भी पता है, तब आप ये मानना कि आपको प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा। ओके, जब आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो तब आपको ये पता है कि भाई हाँ इसका आंसर ये है, इसका ये है, आपको उसका रीजन भी पता होना चाहिए, क्यों ये सही है और क्यों ये गलत है, जैसे अभी अंकित अंकित ने बोला। पूजा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए, टेलीग्राम पे आपको मैं लिंक भेज देती हूँ रेगुलरली, तब वहां से आपको मिल जाएगा। ओके,
सो ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं, पार्लियामेंट के हिसाब से है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, बस इतना सा फर्क था, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट गलत हो गई है। इसका आंसर हो जाएगा डी, द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट फिक्स द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा, इट लेफ्ट टू द पार्लियामेंट। उन्होंने पार्लियामेंट पर छोड़ दिया था कि आप अपने अकॉर्डिंग देख लो, जो भी आपको सही लगता है, जो भी आपको सही लगता है वो चीज आप देख लीजिए। ओके, फिर आता है कि अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट इन द आरपी एक्ट प्रोवाइडेड दैट द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा शैल बी 6 ईयर। जो मेंबर होंगे राज्यसभा के उनके 6 साल रहेगा, एंड द टर्म ऑफ लोकसभा कैन एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर, एक बार में 1 साल के लिए कर सकते हैं, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। डबल हो रही है क्या अभी? कंटिन्यू बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 मंथ आफ्टर द इमरजेंसी सीज। मानो अगर इमरजेंसी सीज हो गई है तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो जो लोकसभा थी अगर डिजोल्व होना है तो डिजोल्व हो जाएगी, जो भी काम होने 6 महीने के अंदर अंदर ही हो जाएंगे। ओके, उससे ज्यादा नहीं रह सकेंगे। सीआरआर क्या है? गुड मॉर्निंग, सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? सीआरआर रेगुलेट द मनी supply and the level of inflation in the country. क्या ये सही है इससे related? If CRR is low, the liquidity with the bank increase, which in turn goes into investment and lending and vice versa. During high inflation, the Reserve Bank of India increase the CRR rate to reduce the amount of money that is available with the bank. It reduces the excess flow of money in the economy. या फिर ओला ट्रू, बताइए। डी। ओके, अच्छे से पढ़ना है आपने एक एक स्टेटमेंट को। जो सीआरआर है वो रेगुलेट करता है मनी सप्लाई को, लेवल ऑफ इन्फ्लेशन को इन द कंट्री, ठीक है। दूसरा, अगर सीआरआर लो है तो जो बैंक की लिक्विडिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर सीआरआर लो है तो बैंक की लिक्विडिटी बढ़ेगी। तीसरा कहता है कि अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है तो आरबीआई इंक्रीज कर देता है सीआरआर रेट को टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ मनी दैट इज अवेलेबल विद द बैंक। अगर इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा बढ़ गई है तो सीआरआर कम कर देता है, वो कह देंगे कि आप कम रखिए बैंकों के पास, कम रखो। इससे क्या होगा, जो एक्सेस फ्लो ऑफ द मनी होगा वो कम हो जाएगा और इन्फ्लेशन भी अब फिर कम होगा। डी, ऑल आर ट्रू। Everyone answer it. What will be the right answer? Do like, share or subscribe the channel Study Ice. आप में से कोई न्यू है क्या चैनल पर? चलिए, so its right answer is D. बिल्कुल सही। देखो इसके नाम क्या बोलता है, कैश। कैश में पैसा होना चाहिए, रिजर्व मतलब बचा के रखना है, रिजर्व करके रखना है, और एक रेशियो एक अमाउंट में किसके पास, बैंकों के पास। बैंक अपने पास अगर 100 रुपए आए हैं तो 100 रुपए में से मानो 20 रुपए वो अपने पास संभाल के रखते हैं, ठीक है। वो लोन पे नहीं देंगे, इस अमाउंट को लोन पे नहीं देंगे, वो अपने पास बचा के रखेंगे। बाकी के 80 रुपए जो है वो आप लोन के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मार्केट में दे देंगे। ओके, पूरे अच्छे से पढ़ते हैं। कैश रिजर्व रेशियो इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द टोटल डिपॉजिट दैट इज हेल्ड एज अ रिजर्व बाय द कमर्शियल बैंक एंड मैंडेटेड बाय द आरबीआई। आरबीआई बोलता है कि कितना परसेंट आप लोगों ने अपने पास रखना है, कमर्शियल बैंक ने अपने पास रखना है, टोटल डिपॉजिट जितने आए हैं, मानो 1000 रुपए आए हैं टोटल डिपॉजिट, उसके अंदर से आप आरबीआई बताएगा कि कितना परसेंट आप अपने पास संभाल के इसे रख लो, ठीक है। इट इज डिसाइडेड बाय द मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अंडर द पीरियोडिक मॉनेटरी एंड क्रेडिट पॉलिसी। अगर सीआरआर लो है, अगर कम है, सपोज 200 बोला था रखने के लिए लेकिन अभी वो रख रहे हैं 150 रख रहे हैं, देन लिक्विडिटी विद द बैंक इंक्रीज। तो जो लिक्विडिटी है बैंकों के पास वो इंक्रीज हो गई, लेन देन की जो लेन देन का जो मैटर था वो ज्यादा हो रहा है, लिक्विडिटी इंक्रीज हो गई, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगी। वो पैसा कहाँ जाएगा, ये 50 रुपीज कहाँ गए, इन्वेस्टमेंट में। लोन दिया ना उन्होंने,
एंड लेंडिंग एंड वाइस वर्सा, और अगर ज्यादा होती है तो लिक्विडिटी कम हो जाती है. अगर बैंक ज्यादा पैसा रखेंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी. इज दैट क्लियर? हायर सीआरआर क्रिएट्स अ नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड ऑल्सो लोअर द अवेलेबिलिटी ऑफ द लोअर फंड. अगर मानो बैंक के पास टोटल 1000 रुपीज आए थे, उसमें से अगर वो 500 रुपीज एज अ कैश रिजर्व रेशियो में रख रहे हैं, देन सिर्फ एक बैंक के पास तो सिर्फ 500 रुपए और पूरी मार्केट के पास 500 रुपए. तो देखो लिक्विडिटी कितनी ज्यादा मैटर कर रही है. यहाँ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, इतना ज्यादा अमाउंट वो सीआरआर में नहीं रख सकते हैं. ओके, इट स्लो डाउन द इन्वेस्टमेंट. तो अब लोगों के पास सिर्फ 500 रुपए रह गए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए. ये 500 रुपए जो यहाँ रखे हैं वो वेस्ट भी तो है. समझ पा रही हो कहाँ मैं कह रही हूँ? इससे जो इन्वेस्टमेंट होगी उस पर एक बहुत बुरा असर पड़ेगा, स्लो डाउन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट, सप्लाई ऑफ मनी है वो भी कम हो जाएगी. इन्फ्लेशन को रोकने के लिए भी कभी कभी ऐसा करा जाता है. अरे कहने का हाँ, मतलब रिजर्व उनके पास करते हैं वो ठीक बात है, लेकिन मार्केट में पैसा नहीं देते. मैं वो कह रही हूँ कि वो मार्केट में उतने उस अमाउंट को नहीं देते हैं, वो रिजर्व करके रखते हैं. ओके, चलिए. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पीकर. ये वाला क्लियर हो गया, सीआरआर वाला. चलिए, ओके फाइन. अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा इफ ही कैन बिकम ए मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ ऑफ सच एन अपॉइंटमेंट. इफ लोकसभा डिसॉल्व्स, स्पीकर शैल द वेकेट हिज ऑफिस इमीडिएटली. नॉट करेक्ट, रॉन्ग बताइए. 1 2 बोथ नन. नहीं, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वो अपने पास होती है, सीआरआर बैंक आरबीआई के पास होती है. कैश उनके पास रिजर्व करके रखना है, वो आरबीआई के पास जाएगी अंकित, और एसएलआर जो होगी वो हमारे पास, वो बैंक अपने पास रखते हैं. स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो यानी कि उतना लिक्विड में पैसा उनके पास होना चाहिए. इज दैट क्लियर? सी, दोनों गलत है. डी, दोनों गलत नहीं है. ओके, अंकित क्लियर हुआ? बी और सी, फाइन. बी, ओके. सो इट्स राइट आंसर इज सी, दोनों गलत है. इसने बात जो बोली है उसका मीनिंग समझो. अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ स्पीकर ऑफ लोकसभा इफ ही कैन बिकम अ मेंबर ऑफ लोकसभा विद इन 6 मंथ. अगर मानो आज एक किसी एक बंदे को स्पीकर बना दिया, अब उसके पास 6 महीने हैं वो पहले लोकसभा का मेंबर बन जाए. उन 6 महीनों के अंदर अगर वो लोकसभा का मेंबर बनता है तब वो ठीक है, अदरवाइज वो अपने स्पीकर के ऑफिस से सीज हो जाएगा. ऐसे कुछ बात ही बोल रहा है, ठीक है. लेकिन क्या ऐसा होता है कि पहले वो स्पीकर बनेगा फिर उसको टाइम दिया जाएगा? नहीं, जो ऑलरेडी स्पीकर, जो ऑलरेडी मेंबर है लोकसभा का, ऑलरेडी जो मेंबर है उनमें से ही किसी एक व्यक्ति को चुना जाएगा और स्पीकर की पोजीशन पर बिठाया जाएगा. ये सही होता है. ओके, इसका रिवर्स, जो ऑलरेडी मेंबर है लोकसभा का उसमें से चुना जाएगा जो स्पीकर होगा, इसीलिए गलत हो जाएगा. और स्पीकर कभी भी तभी उसे ऑफिस को वेकेट नहीं करते हैं, इसीलिए ये भी गलत हो जाएगा. ओनली अ मेंबर ऑफ लोकसभा कैन बी इलेक्टेड एज अ स्पीकर, और स्पीकर ऑफ लोकसभा हैज टू वेकेट हिज ऑफिस इफ सी इज टू मेंबर ऑफ ए लोकसभा. अगर वो लोकसभा का मेंबर ही नहीं रहा है किसी वजह से तब वो स्पीकर नहीं रहेंगे. ओके, व्हेनेवर द लोकसभा इज डिसॉल्व्ड द स्पीकर डज नॉट वेकेट ऑफिस, कंटिन्यू टिल द न्यू इलेक्टेड लोकसभा में. जब तक नई लोकसभा नहीं मिल जाती है तब तक वो बैठते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट पढ़िए.
जो पिनाका है इज एन आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग इनटू एनिमी टेरिटरी अप टू अ रेंज ऑफ 75 किलोमीटर. द नेविगेशन सिस्टम ऑफ पिनाका मिसाइल इज ऑल्सो एडेड बाय द इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम IRNSS. बताइए, राइट बताओ. वन टू बोथ नन. सी. ओके, पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है दैट इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग एनिमी टेरिटरी अप टू 75 किलोमीटर. 75 किलोमीटर दूर तक भी अगर एनिमी खड़ा है वहां तक भी उसको अटैक करा जा सकता है. ये जो नेविगेशन सिस्टम है इस पिनाका मिसाइल का वो IRNSS के द्वारा एडिड है. तो बताइए क्या सही है. सी और डी. ओके, सो राइट आंसर इज सी. दोनों सही हैं. बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू. पिनाका एक आर्टिलरी मिसाइल सिस्टम है दैट इज कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग अप टू 75 किलोमीटर विद हाई प्रिसीजन. पिनाका का MK2 जो रॉकेट है इज मॉडिफाइड एज अ मिसाइल. अब वो मिसाइल बन गया है रॉकेट से बाय इंटीग्रेटिंग विद द नेविगेशन कंट्रोल एंड गाइडेंस सिस्टम टू इम्प्रूव द एंड एक्यूरेसी एंड एनहेंस द रेंज. उसकी जो रेंज है वो भी बढ़ गई है, इसकी जो एक्यूरेसी है वो भी इंक्रीज हो गई है. दूसरा, नेविगेशन कंट्रोल और गाइडेंस सिस्टम ये सब इस चीज में इंक्लूड हो गए हैं. जो इसका नेविगेशन सिस्टम है ऑफ द मिसाइल इज एडेड बाय द IRNSS. ओके, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि IRNS क्या 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 है, कब ये बना था, क्या इसका काम है, क्या इसका फंक्शन है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, वो सारी चीजें आप लोगों को पढ़नी है. ओके, कल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सबसे रहेगा. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉट वाटर डिस्चार्ज बाय इंडस्ट्रीज इज कंसिडर्ड एज अ वाटर पॉल्यूटेंट बिकॉज. आप लोगों को पता है कि इंडस्ट्रीज में से जो गर्म पानी निकलता है या जो पोल्यूशन वाटर निकलता है उसे वाटर पॉल्यूटेंट समझा जाता है. ऐसा क्यों क्यों समझा जा रहा है? क्योंकि जो हाइएस्ट वाटर टेम्परेचर होगा, जिस पानी का ज्यादा टेम्परेचर होगा, वो डिक्रीज कर देता है ऑक्सीजन को पानी में. जो पानी में ऑक्सीजन होती है H2O होता है ना, ये जो O है इसको कम कर देता है. हाई टेम्परेचर लिमिट करता है ऑक्सीजन डिस्पर्जन इनटू डीपर वाटर कंट्रीब्यूटिंग टू एनएरोबिक कंडीशन इन द डीप वाटर. बताओ क्या सही है. वन टू बॉट नन. ओके, फाइन, एवरीवन आंसर इट. क्या सही होने वाला है. चलिए, सो सी इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही है, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है. गैस, जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दो अपने चैनल पे, अपने कनेक्शन में, जहां पे भी आप कनेक्टेड हो, ताकि काफी सारे स्टूडेंट आपके साथ ऐड हो जाए. देखो, कोल्ड वाटर के अंदर ज्यादा ऑक्सीजन होती है देन द वार्म वाटर. जो वार्म वाटर होता है, गर्म पानी क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देता है उसमें से, इसीलिए वाटर पॉल्यूटेंट होता है एक तरीके से. सर्दियों में क्या होता है कि वाटर टेम्परेचर कम होता है, द डिजोल्व ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इज हाई. तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन उसके अंदर घुली हुई है, जो ऑक्सीजन है उसके अंदर, वो ज्यादा हो जाती है क्योंकि पानी का टेम्परेचर ठंडा है, वो कम है, टेम्परेचर कम है, कोल्ड वाटर है. कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन ज्यादा होती है. जैसे जैसे गर्मी आएगी वाटर टेम्परेचर हाई हो जाएगा और जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी वो उसके अंदर कम होती जाएगी. ओके, हाईएस्ट जो टेम्परेचर होता है, हाँ,
हाई जो टेम्परेचर होता है वो लिमिट कर देता है ऑक्सीजन डिस्पर्जन को इन डीपर वाटर, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू एनरोबिक कंडीशन. यानी कि अगर पानी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसके अंदर ज्यादा अंदर तक ऑक्सीजन नहीं जा पाएगी, जिससे कि एनरोबिक कंडीशन बन जाएगी. दिस कैन लीड टू इंक्रीज बैक्टीरिया. और अगर अंदर तक ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो उसकी वजह से बैक्टीरिया वहां पर ज्यादा मिलेंगे. व्हेन देयर इज अ एम्पल फूड सप्लाई, और फूड सप्लाई की एम्पल में होगा. गुड मॉर्निंग अजय, प्लीज बी कंटिन्यू, प्लीज बी रेगुलर इन द क्लास. चलिए स्टेटमेंट पढ़िए. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल इज ए टू स्टेज लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल. ये जो क्विक रिएक्शन सरफेस मिसाइल है वो सरफेस टू एयर मिसाइल है और टू स्टेज लिक्विड प्रोपेल्ड मिसाइल है. इट इज दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. आपको रोंग कोड बताना है, विच इज अ रोंग आंसर. 1, 2 बहुत नन. गलत क्या है इनमें से? जो क्विक रिएक्शन है क्या वो सरफेस टू एयर मिसाइल है, टू स्टेज है क्या, और इसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने डेवलप करा है? क्या है सही आंसर? सी ए और बी. सी ए और बी मीन्स डाउट है. चलिए इस राइट आंसर इज डी. सी, सॉरी, दोनों गलत है. मतलब दोनों गलत है ये, क्योंकि जो क्विक रिएक्शन है वो दो स्टेज नहीं है, एक तो सिंगल स्टेज का है पहली बात. दूसरा, डीआरडीओ ने इसे जो है डेवलप करा है, हिंदुस्तान ने नहीं करा है. ओके, सिर्फ इतना सा फर्क था और आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए. जो QRSAM है वो सिंगल स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड मिसाइल है. इट हैज मिड कोर्स इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम विद अ टू वे डाटा लिंक. दो वे से डाटा लिंक है एंड टर्मिनल एक्टिव सीकर है, दैट इज डेवलप्ड बाय द डीआरडीओ. डीआरडीओ है अंकित. क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल है ये याद रख लेना, और डेवलप बाय द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. डीआरडीओ ने इसे पब्लिश वो करा है, डेवलप करा है. इज दैट क्लियर? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. स्टेटमेंट देखिए, ट्रांजिएंट पुअर आर दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ द पॉवर्टी. ट्रांजिएंट पुअर वो होते हैं, पुअर वो होते हैं जो रेगुलरली मूव इन और मूव आउट करते हैं पॉवर्टी में से. यानी कि आज अमीर है, आज उनके पास पॉवर्टी लाइन से वो बाहर है, पैसा ठीक है, कल उनके अंदर उनमें पैसा नहीं रहेगा तो वो फिर से गरीब हो जाएंगे. ठीक है, वो होते हैं ट्रांजिएंट पुअर. दूसरा, चर्निंग पुअर होते हैं हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सम टाइम हैव अ पैच ऑफ बैड लक. जो एक बहुत एक लंबे टाइम तक वो रिच है, उनके पास काफी अच्छे पैसे हैं और सारी चीज है, उनके पास बेसिक नीड भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर एक बैड लक होने की वजह से उनके पास कुछ भी नहीं रहता है, वो होते हैं चर्निंग पुअर. बताइए ट्रू क्या है? रॉन्ग कोड बताना है आपको. गलत स्टेटमेंट कौन सी है? 1 गलत है, 2 गलत है, दोनों गलत है, दोनों गलत नहीं है, मतलब दोनों सही है. बी और डी. अंकित तुक्का, आई आंसर करो, दैट इज इंपॉर्टेंट. आंसर करना इंपॉर्टेंट है. नहीं पता कोई बात नहीं, जो बता रहे हैं उन्हें भी सबको नहीं पता है. चलिए, सो सही आंसर है सी, दोनों गलत है. चैनिंग पुअर आर दोज हु रेगुलरली मूव इन एंड मूव आउट ऑफ द पॉवर्टी, जैसे स्मॉल फार्मर्स है, सीजनल वर्कर्स है. चैनिंग पुअर वो होंगे जो डेली उनकी पॉवर्टी डिफाइन करती है. स्मॉल फार्मर हो गए जैसे, या सीजनल वर्कर होते हैं कि अगर समर में सीजन है तो समर में वो रिच है, अभी पॉवर्टी से बाहर है. विंटर में सीजन नहीं होगा
विंटर में सीजन नहीं होगा तो उसके बाद फिर से वो पॉवर्टी में आ जाएंगे, उन लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो होते हैं चर्निंग पुअर। ट्रांसिएंट पुअर हु आर द रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे सम टाइम हैव अ पैच ऑफ बैड लक, जो एक लंबे टाइम तक रिच रहते हैं लेकिन ड्यू टू बैड लक जो है वो थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन में आ जाते हैं। ठीक है, ये बस अपोजिट था, इन दोनों का आंसर जो यहाँ पे मेंशन था वो अपोजिट था। इज दैट क्लियर? ये जब आप अपना मेंस लिखोगे तब वहां पे सब चीजें मेंशन कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इग्नियस रॉक्स आर द मोस्ट अबंडेंट रॉक इन द अर्थ क्रस्ट, सेडिमेंटरी रॉक आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक एज ऑल अदर रॉक आर डिराइव्ड फ्रॉम देम। राइट कोड बताइए। इग्नियस रॉक जो होती है वो मोस्ट अबेंडेंट रॉक होती है इन द अर्थ क्रस्ट में, सेडिमेंट्री रॉक प्राइमरी रॉक होती है क्योंकि दूसरी सभी रॉक्स इसी से ही ड्राइव होती हैं। राइट कोड क्या है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन? इग्नेस आर प्राइमरी रॉक्स, डोंट वेरी, आंसर करिए। ए, ओके, सी और बी, फाइन, एवरीवन आंसर इट, बताओ सभी। चलिए राइट आंसर इज ए, बिल्कुल सही है पहली स्टेटमेंट, सेकंड गलत हो जाएगी। इग्नियस जो होती है वो मोस्ट अबंडेंट रॉक होती है अर्थ की क्रस्ट में, ये पाई जाती है जो अर्थ की टॉप लेयर होती है, क्रस्ट लेयर होती है जो, उसमें उसमें ही आपको इग्नियस मिलेगी क्योंकि ये जो रॉक्स होती है वो लावा से मिलती है। मैग्मा जब ठंडा हो जाए ऊपर आके, फ्लूइड जो मटीरियल होता है वो जब ठंडा हो जाता है तब उससे ये इग्नियस रॉक्स बनती है। मोस्ट अबंडेंट रॉक होती है अर्थ की क्रस्ट में मिलेगी, एज द इग्नियस रॉक कंप्राइज द अर्थ क्रस्ट, ऑल अदर रॉक आर ड्राइव फ्रॉम देम, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी रॉक या पेरेंट ऑफ ओल्ड रॉक। ओके, जैसा कि आपने बोला मनीषा कि इग्नियस को प्राइमरी बोलते हैं, ये बात सही है, इग्नियस को प्राइमरी बोलते हैं क्योंकि सभी रॉक्स इसी से ही ड्राइव होती है, सेडिमेंट्री बाद में आती है। ओके चलिए, आप सबने सही आंसर किया, बिल्कुल सही। Which is the true statement about the Gaza Strip? Gaza Strip से सही statement क्या है? It is located along the Mediterranean Sea northeast of Sinai Peninsula. It is a small boot shaped territory between Egypt and Israel. Both are true या फिर none of the above? दोनों सही है, दोनों गलत है, कोई एक है? Gaza Strip से related. एवरी वन आंसर इट गाइस, जिन्होंने लाइक नहीं करा है लाइक कर दीजिए। ए सी, ओके, गाजा स्ट्रिप माइंड में याद आ रहा है कहां पर है? चलिए, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बूट शेप इटली तो है, पर इटली तो देखो कितना लंबा है, वो तो सी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो स्मॉल बूट शेप है, टेरिटरी है, इजिप्ट और इजराइल के बीच में आता है, ये बिल्कुल सही है। ये देखो, ये रहा, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हो, 100% यस ट्रू, हाँ जी बिल्कुल, ये जो आप पिंक कलर में देख रहे हो दैट इज अ गाजा स्ट्रिप जो कि मेडिटेरेनियन से बॉर्डर बना रहा है, इजिप्ट और इजराइल के बीच में लोकेटेड है, ये है इजिप्ट और ये है इजराइल, इन दोनों के बीच में ये लोकेटेड है। ठीक है,
लोकेटी रनोंग ने मेडिटेरेनियन सी इन नॉर्थ ईस्ट ऑफ सिनाई पेनिनसुला, जो सिनाई पेनिनसुला है उसकी नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये चीज लोकेटेड है, यहाँ पर है ये सिनाई पेनिनसुला। यहाँ से आपको अच्छे से दिखेगी नहीं, ये साउथ सिनाई इधर दिख रही है, यह है सिनाई पेनिनसुला, इसके नॉर्थ ईस्ट में इस तरफ से लोकेटेड है, इसराइल के और इजिप्ट के बीच में। ओके, मेडिटेरेनियन सी है ये जो आप व्हाइट कलर में देख रहे हो, ये है गुलान हाइट जो आप ये रेड कलर में इधर देख रहे हो, ये है गुलान हाइट, और ये है वेस्ट बैंक, ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो दैट इज अ वेस्ट बैंक। गाजा स्ट्रिप ये होगी, ये इजिप्ट है, ये इसराइल है, और यहाँ पर ही पास में ही एक सी आपको मिलेगा जिसका नाम है डेड सी। इज दैट क्लियर? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री मेक्स बॉर्डर विद द रेड सी, रेड सी से कौन सी कंट्री बाउंड्री बनाती है? सऊदी अरेबिया, येमेन, इजिप्ट, एरिट्रिया, इथोपिया, सूडान। 1 2 3 6, 1 2 4 5, 1 ऑल एक्सेप्ट 4, ऑल एक्सेप्ट 5। बहुत इजी क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार मैं रेड सी से हम ये वाला चीज कर चुके हैं, आई होप कि ये वाली चीज अब किसी की भी गलत ना हो। रेड सी हो गया, पेशन गल्फ हो गया, मेडिटेरियन हो गया, उनकी बाउंड्री कंट्रीज हम कई बार कर चुके हैं। सो अभी गलत नहीं होना चाहिए किसी का, ए और बी और डी। ओके, बताइए, सभी आंसर करो। इथोपिया का लैंडलॉक कंट्री है मनीषा, तो आपके हिसाब से डी होगा आंसर। हाँ, डी ए डी बी, मतलब आप श्योर नहीं हो, सिर्फ मनीषा श्योर है, पता नहीं सही है कि नहीं है, बट श्योर है वो, ऋतुराज श्योर है। ओके, फाइनली सेड ए। दीपिका प्लीज बी स्टे इन द क्लास एंड बी रेगुलर। ओके, आपने ट्रिक बोली है, डेजी। डी से क्या बन रहा है? डी से तो कुछ नहीं बन रहा। ई से इजिप्ट, एस से सऊदी अरेबिया, एस से सूडान, वाई से येमेन, और आपका डी से कुछ नहीं बना। चलिए ठीक है, इसका आंसर डी होगा, ऑल एक्सेप्ट 5, इथोपिया इज ए लैंडलॉक कंट्री, बाकी की सारी कंट्रीज से बाउंड्री बनाती है। ये रहा रेड सी, ये रहा, ठीक है, और रेड सी किसका एग्जाम्पल है, कैसे बना हुआ है ये रेड सी, कैसे बना हुआ है, ज्योग्राफी में हमने इसे करा था वो बताइए। इधर है सऊदी अरेबिया, इस तरफ आप देखोगे इजिप्ट से बाउंड्री बना रहा है, इधर सूडान है, कितनी बड़ी कंट्री है। इथोपिया लैंडलॉक हो गई है क्योंकि ऊपर एरिट्रिया आता है, देखो ये रहा एरिट्रिया पर्पल कलर में, और इधर इधर छोटा सा आपको जिबूटी दिखाई देने को मिलेगा, इधर आपको सोमालिया मिलेगा, ठीक है, सोमालिया, ये रहा येमेन, तो ये सारी कंट्री जो है वो इसे बाउंड्री बना ली है। रही बात इथोपिया की, वो लैंडलॉक कंट्री है, पीछे की तरफ आ गई है रिफ्ट से, मनीषा इज राइट, रिफ्ट वैली, ठीक है, रिफ्ट की वजह से ये बना हुआ है। चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं, आज की क्लास को ओवर करते हैं। डी जिबूटी, ओके फाइन, ओके ओके, चलिए आज की क्लास को ओवर करते हैं। एनी क्वेश्चन यू हैव, कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज क्लास को एंड करते हैं, कल फिर से क्लास लेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आ रहा है आपके प्रिपरेशन में, किसी चीज पर आपको क्लास चाहिए, देन हम कोई क्लास ले सकते हैं, करंट अफेयर हो या स्टैटिक हो। कल आपने बोला कि इकोनॉमिक से अगर कुछ हो सके, तो इस पर ट्रायल चल रहा है, इस पर देखेंगे अभी।
और किसी चीज पर बताइए, अगर किसी ने अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने कनेक्शन में गाइस, शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है, ठीक है। सो शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो अगर आप न्यू है चैनल पे, तो सब्सक्राइब टू द चैनल स्टडी आईएएस और अनअकैडमी अंकिता जिंदल, दोनों चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपको क्लास की नोटिफिकेशन वहीं मिल जाती है। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेने जा रहे हो तो स्टडी आईएएस कोड यूज करना है ताकि आपको 10% का ऑफ मिल जाए। ओके चलिए, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। हाँ, कल तक की जो क्लासेस की जो पीडीएफ थी 15th of November की, वो सारी आपको टेलीग्राम पर भेज दी गई है, और ज्योग्राफी की जो लास्ट की जो पीडीएफ मिल गई थी वो भी आपकी पीडीएफ आप लोगों को सेंड कर दी गई है। ओके, ज्योग्राफी मैपिंग पे इंडियन ज्योग्राफी एक क्लास ऐसे रहती भी है ऐसी ही मैपिंग से रिलेटेड, चलिए देखते हैं इस पर भी। ओके नाइस आइडिया, थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड हैव ए नाइस डे अहेड, और कल वाली क्लास में मिलते हैं सुबह 9 बजे रेगुलरली आ जाया कीजिए। थैंक